भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जिसे 1996 तक बॉम्बे या बंबई के रूप में जाना जाता था। कहते हैं 17वीं शताब्दी तक मुंबई अरब सागर में 7 छोटे द्वीपों का समूह था, जहां कोली समुदाय के मछुआरे रहा करते थे और जिन्हें मुंबई का मूल निवासी भी माना जाता है। कोली मछुआरों की आराध्या देवी मुंबा थी, जिनसे बाद में चलकर शहर का नाम मुंबई पड़ा। वास्तव में मुंबई नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, मुंबा यानी माँ अम्बा और आई, जिसका अर्थ मराठी में माँ होता है। अंग्रेजों के नियंत्रण में आने से पहले 7 द्वीपों में बटे हुए मुंबई पर विभिन्न राजाओं, सुल्तानों और पुर्तगालियों का शासन था, परंतु इनमें से किसी ने भी मुंबई के 7 द्वीपों को एक साथ विलय करने और एक संयुक्त शहर बनाने के बारे में नहीं सोचा था। 7 द्वीपों कोलाबा, लिटिल कोलाबा, वर्ली, बॉम्बे, माहिम, परेल और मजगांव में बॉम्बे सबसे बड़ा द्वीप था, जहां अंग्रेजों का मुख्य गढ़ हुआ करता था। इसीलिए स्वाभाविक रूप से इस द्वीप पर बस्तियां और व्यवसायिक प्रतिष्ठान सघन रूप से स्थित थे। बॉम्बे के बाद मजगांव द्वीप घनी आबादी वाला क्षेत्र था, जो बॉम्बे के निकट एक संकरी खाड़ी में स्थित था। बाकी द्वीपों में आबादी तुलनात्मक रूप से कम ही थी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन और बढ़ते विस्तार के साथ यहां की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी थी। 1782 में बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर विलियम हॉर्नबी ने हॉर्नबी विलार्ड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जो मुंबई के सभी 7 द्वीपों को एक गहरे प्राकृतिक बंदरगाह के साथ एक द्वीप में जोड़ने के लिए सेतु बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना थी। इस परियोजना के अंतर्गत 1845 तक सभी 7 द्वीपों का एकीकरण हो चुका था। 1850 के दशक में ब्रिटिश राज और ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में बॉम्बे का व्यापक विकास हुआ और यहां कई उद्योग स्थापित किए गए। परंतु कहते हैं जब 1884 में प्लेग महामारी ने भारत को प्रभावित किया, तो अंग्रेजों ने अपने अधिकांश उद्योग धारावी में स्थानांतरित कर दिए। धारावी मैंग्रोव के दलदल से घिरा हुआ एक छोटा सा टापू था, जहाँ कोली मछुआरों का गाँव कोलीवाड़ा हुआ करता था, जहां बाद में दलदल का पानी सूख गया था और जमीन ठोस हो गई थी। 1882 में अंग्रेजों ने इस जगह को शहर के लेबर क्लास यानी मजदूरों के रहने के लिए किफायती ठिकाना देने के मकसद से बसाया था। 1887 में पहला लेदर इंडस्ट्री धारावी में शुरू हुआ। शुरुआत में धारावी में आकर बसने वाले चमड़ा श्रमिक निम्न वर्ग के वह मुस्लिम और हिंदू लोग थे, जो तमिलनाडु, बिहार और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से आए थे। धारावी में अन्य प्रारंभिक बसने वाले लोगों में कुम्हारों का एक बड़ा गुजराती समुदाय शामिल था, जो सौराष्ट्र से आया था, जिनकी कॉलोनी कुंभरवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। अंग्रेजी सरकार ने बाहर से आए इन श्रमिकों को 99 साल की भूमि का पट्टा दिया। गौरतलब बात यह है कि धारावी की जमीन आज भी सरकारी है। इसके बाद जल्द ही उत्तर प्रदेश के कशीदाकार भी यहां आकर बस गए। धीरे धीरे देश के विभिन्न राज्यों से श्रमिक धारावी में आकर बसते चले गए। जैसे जैसे साल बीतते गए, नौकरी की तलाश में देश के विभिन्न राज्यों से ग्रामीण प्रवासियों ने मुंबई की ओर पलायन किया और धारावी में आकर बसते गए। धारावी उन लोगों के रहने के लिए एक सस्ता विकल्प बन गया, जो जीविकोपार्जन के लिए मुंबई जाते थे। धीरे धीरे यहां इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि धारावी एक मलिन बस्ती में परिवर्तित हो गया। वास्तव में धारावी एक अत्यधिक बहुधार्मिक, बहुजातीय और विविध बस्ती है। धारावी मुंबई की दो मुख्य सबर्बन रेलवे लाइंस, वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे के बीच में स्थित है, जिसके पश्चिम में माहिम और बांद्रा है तो उत्तर में मीठी नदी बहती है। 590 एकड़ में फैले धारावी को आज दुनिया के सबसे बड़े स्लम्स में से एक माना जाता है। यहाँ झुग्गी झोपड़ियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि दूर दूर तक देखने पर जमीन नजर नहीं आती। धारावी की आबादी पर कोई सटीक आंकड़े नहीं है, परंतु बताया जाता है यहाँ सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में करीब 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। यहाँ प्रति 1500 लोगों के लिए एक शौचालय है। यहाँ गलियाँ इतनी अंधेरी अथवा संकरी हैं कि जिसमें से केवल 2 ही लोग गुजर सकते हैं।
यहाँ औसतन 4x4 मीटर के एक कमरे में 5 से 6 लोगों का एक परिवार रहता है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में रोशनी और वेंटिलेशन की बेहद कमी है। इसके अलावा यहाँ के छोटे उद्योग जैसे हाउस टेनरीज, प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वॉशिंग यूनिट्स अथवा भट्टियों से निकलने वाले जहरीले धुएं यहाँ की हवा की गुणवत्ता को और भी खराब करते हैं। जगह जगह खुले सीवर, बदबू और हर तरफ गंदगी फैली है। इसके अलावा यहाँ साफ पीने योग्य पानी की पहुँच बेहद सीमित है। आंकड़े बताते हैं धारावी में 77% घरों में दूषित पानी पहुंचता है, जिसमें आर्सेनिक, लेड, नाइट्रेट और बैक्टीरियल कंटामिनेशन परमिसिबल लिमिट के ऊपर होता है। निश्चित तौर पे धारावी का ज्योग्राफिकल लोकेशन इसे सैनिटेशन प्रॉब्लम्स के लिए विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है। जहाँ शहर के खुले सीवर माहिम क्रीक में गिरते हैं, वहीं मीठी नदी को स्थानीय लोगों द्वारा पेशाब और शौच के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जिससे संक्रामक रोग फैलते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ का पुअर ड्रेनेज सिस्टम मानसून के दिनों में और भी बदतर हो जाता है। कुल मिलाकर धारावी में हेल्थ एंड सैनिटेशन की स्थिति बेहद खतरनाक और चिंताजनक है। नतीजतन धारावी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया के नेशनल एवरेज से 7 साल कम है। झुग्गी वासियों के उत्थान के लिए धारावी रीडेवलपमेंट यानी पुनर्विकास की योजना कई दशकों से चली आ रही है, परंतु अधिकांश योजना राजनीतिक और वित्तीय कारणों की वजह से हमेशा असफल रही। 1999 में पहली बार भाजपा शिवसेना सरकार द्वारा धारावी के रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद वर्ष 2003 में महाराष्ट्र सरकार ने धारावी को एक इंटीग्रेटेड प्लान टाउनशिप के रूप में रीडेवलप करने का निर्णय लिया। बाद में 2011 में सरकार ने धारावी के रीडेवलपमेंट से जुड़े हुए सारे टेंडर्स रद्द कर दिए और एक मास्टर प्लान बनाने की योजना बनाई। 2016 में एक बार फिर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को गति मिली, जब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा शिवसेना सरकार द्वारा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई। इसके बाद 2018 में तत्कालीन फडणवीस सरकार ने धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए एक नए मॉडल को मंजूरी दी। 2019 में दुबई की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सेक्लिंग टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन को सक्सेसफुल बिडिंग के बावजूद टेंडर नहीं दिया गया। 2022 में एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा दोबारा नए टेंडर आमंत्रित किए गए, जिसके बाद अदानी ग्रुप ने 5,069 करोड़ की बोली के साथ धारावी के रीडेवलपमेंट की बोली जीत ली। कहा जा रहा है धारावी रीडेवलपमेंट का काम इसी साल के अक्टूबर में शुरू होने की संभावना है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि धारावी के लगभग हर घर में चलने वाले छोटे उद्योग और व्यवसायिक केंद्रों का क्या होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि धारावी के लोग अपनी जीविकोपार्जन के लिए कई प्रकार के व्यवसाय करते हैं, जिससे बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता है। यहाँ कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, स्टील, चमड़ा आदि का उत्पादन करने वाली लगभग 500 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और 1500 से भी ज्यादा एक कमरे के कारखाने चलाए जाते हैं। इन कारखानों में बनने वाले वस्तुओं का निर्यात पूरी दुनिया में किया जाता है। धारावी में काम करने वाला हर व्यक्ति लगभग 10 से 12 हजार प्रति माह की कमाई करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे धारावी का एनुअल इनकम लगभग 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जनरेट होता है, जो पूरे देश की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। कहते हैं धारावी में कुछ भी बर्बाद नहीं होता। प्लास्टिक से लेकर मेटल, कार की बैटरी, कंप्यूटर के पुर्जे, बॉल पेन, पेपर, कार्डबोर्ड, वायर हैंगर, हर तरह की स्क्रैप सामग्री और कचरे की रीसाइक्लिंग और पुनः उपयोग पर यहाँ के छोटे उद्योग चलते हैं, जिस वजह से धारावी को प्लास्टिक रीसाइक्लिंग का गोल्ड माइन भी कहा जाता है। धारावी की इकोनॉमी सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट पर टिकी हुई है। भारत का फाइनेंशियल कैपिटल कहे जाने वाले मुंबई शहर के केंद्र में स्थित धारावी भले ही बुनियादी ढांचे और स्वच्छता सुविधाओं की कमी से जूझ रही हो, परंतु धारावी के उद्योग वेस्ट मैनेजमेंट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है यदि धारावी ना होता तो शायद माया नगरी मुंबई अपने ही कचरे के बोझ तले दब जाती।